बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द लर्निंग स्कूल TLSC वेलकम्स यू टू द ऑनलाइन ट्यूटोरियल सेशन। लेट्स जॉइन हैंड्स टू दिस न्यू टेक्नोलॉजी एंड अशर इनटू द न्यू प्रोग्रेसिव इरा। द लर्निंग स्कूल विशेज अ वेरी ब्राइट एंड फ्रूटफुल एकेडमिक वीक टू ऑल ऑफ यू। द लर्निंग स्कूल वीक 8 ग्रेड 3 सेक्शंस ABC सब्जेक्ट साइंस यूनिट 3 टॉपिक इकोसिस्टम पेज 30 एंड 31। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 8। Recap of the previous lecture. In the last lecture, we study about the main habitats in the world: polar region, desert, sea, forest, rivers, and lakes. Learning objectives: about ecosystem, about extinct animals. Drill words: adapted का मतलब होता है अपनाना, habitats रिहायशगा, interact असर डालना, disasters मुसीबत आफात, storms तूफान, floods सैलाब, वोल्केनिक अरप्शंस आतिशफिशां। इकोसिस्टम क्या होता है? माहौलियाती निज़ाम को इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम एक बैलेंस सिस्टम होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर्स टू सर्वाइव। दे हैव अडेप्टेड टू लिव विद ईच अदर एंड इन देयर हैबिटेट्स। द लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स। दिस इज़ कॉल्ड एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक बैलेंस सिस्टम होता है। इसमें जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करके जो सिस्टम बनाते हैं डेट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैन बी अफेक्टेड इफ़ अ न्यू प्लांट और एनिमल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू देम। द न्यू अराइवल कैन पुश अदर आउट एंड दिस कैन अफेक्ट द लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन देम। इसमें वो कह रहे हैं कि जैसे आपको पता है कि लिविंग इकोसिस्टम एक बैलेंस सिस्टम है जो पहले से मेंटेन होता है। अगर कोई नई चीज़ ऐड होती है या रिमूव होती है इकोसिस्टम में तो सारा का सारा सिस्टम जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे एक न्यू प्लांट और एक न्यू एनिमल जब इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस होता है तो जो सिस्टम होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। इकोसिस्टम कैन ऑल्सो बी डिस्टरप्टेड बाई नेचुरल डिजास्टर सच एज स्टॉर्म्स, फ्लड्स, फायर्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस। इसमें वो कह रहे हैं कि जो इकोसिस्टम है वो सारा उस पर बुरी तरह असरअंदाज होता है। मुसीबत आती है, नेचुरल डिज़ास्टर कुदरती आफात और मुसीबत को बोलते हैं, जैसे तूफान है, सैलाब है, फायर्स, आग, वोल्केनिक इरप्शन, आतिशफशां। सम एनिमल्स आर एक्सटेंट, कुछ एनिमल्स जो हैं वो नापैद हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। एक्सटेंट मीन्स, एक्सटेंट का मतलब होता है डैट दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी वो अब नहीं है। द डायनासोर बिकेम एक्सटेंट अलॉन्ग अगो, डायनासोर भी आज से काफ़ी साल पहले एक्सटेंट हो गया था। डूडो, सम एनिमल्स बिकम, डूडो भी एक्सटेंट हो चुका है। सम एनिमल्स बिकम एक्सटेंट ड्यू टू एक्शन ऑफ ह्यूमन्स, कुछ एनिमल्स जो एक्सटेंट हो चुके हैं वो ह्यूमन्स के एक्शंस की वजह से हैं। द डूडो, एक डूडो अ फ्लाइटलेस बर्ड है, वॉज हंटेड अंटिल नो मोर रिमेंड। इसको हंट किया जाता था, इसका शिकार किया जाता था और अब ये नहीं है। तो ये आपका सारा टॉपिक था इकोसिस्टम जो कम्प्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।